तो स्वागत है हमारे आज के और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इप्सन प्रिंटर का स्कैनर और उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर देना है। अगर आपके पास कौन से भी मॉडल का प्रिंटर हो इप्सन का, तो उसका स्कैनर और उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर देना है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर देना है और वहाँ पे इप्सन और हमारे प्रिंटर का जो भी नाम है वो नाम को सर्च कर देना है और यहाँ पे उसके आगे ड्राइवर लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पे मैंने इप्सन DL3110 ड्राइवर ऐसा यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे सबसे पहले लिंक हमें दिख रही है, तो वहाँ पर हमें क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर जो दो नंबर की जो लिंक है उस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ से एकदम इजी तरीके से डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये जो दूसरे वाले लिंक है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें विंडोज़ 7 हो, 10 हो, कुछ भी हो, 32 बिट, 64 बिट वहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ड्राइवर लिख रहा है, यहाँ पर ड्राइवर्स, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ड्राइवर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पे ड्राइवर्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्रिंटर ड्राइवर यहाँ पे आ गया है। तो हमें सबसे पहले ये जो प्रिंटर ड्राइवर है उसको डाउनलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिख रहा है स्कैनर ड्राइवर, तो यहाँ पर उसका स्कैनर का भी ड्राइवर हमें डाउनलोड कर देना है। तो सबसे पहले हम प्रिंटर का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को हम डाउनलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो इसकी जो डाउनलोडिंग है ये डाउनलोडिंग अभी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और ये डाउनलोड होने के बाद क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर का जो ड्राइवर है ये ड्राइवर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोडिंग होने के बाद ये जो स्कैनर का जो ड्राइवर है उस स्कैनर के ड्राइवर को भी हम इंस्टॉल कर देंगे, उसको भी हम डाउनलोड कर देंगे। अगर हम प्रिंटर का ही ड्राइवर डाउनलोड करते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ये जो स्कैनर का ड्राइवर है उस स्कैनर के ड्राइवर को भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम उसको डाउनलोड कर देते हैं। जो हमारा स्कैनर का जो ड्राइवर है ये भी यहाँ पर डाउनलोडिंग को, यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है उसकी भी। तो कुछ इस प्रकार से ये भी यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा, वीडियो को स्किप मत करेगा। अगर वीडियो स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, बाद में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा। और ये जो भी फाइल्स है उन फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप सीधा डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा डाउनलोडिंग हो रहा है। ये डाउनलोडिंग होने के बाद क्या करना है ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है। जैसे ही हम ये डाउनलोडिंग हो जाती है, डाउनलोडिंग होने के बाद हम उसको शो इन फोल्डर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये डाउनलोडिंग है ये हो गया है। ये डाउनलोडिंग होने के बाद हम उसको शो इन फोल्डर करेंगे और ये जिस फोल्डर में डाउनलोडिंग हो गया है उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने उसको शो इन फोल्डर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल जहाँ जिस जगह में ये फाइल हमारा डाउनलोडिंग हुआ है ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होने के बाद हमें क्या कर देना है वीडियो में बने रहेगा। यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नीचे दो फाइल्स दिख रहे हैं इन दो फाइल्स को हमें कॉपी कर देना है। और कॉपी करने के बाद हम उसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देंगे ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो यहाँ पर मैंने उसको इन दोनों फाइल को मैंने कॉपी कर दिया है। और कॉपी करने के बाद हम अभी डेस्कटॉप पर उसको पेस्ट करेंगे तो उसको हम एक अलग सा फोल्डर तैयार करेंगे। तो मैंने इसका एक न्यू फोल्डर बनाया और उसको नाम देते हैं इप्सन EL3110, जो कि हमारा प्रिंटर का नाम है।
तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर को ओपन करके मैं उसमें पेस्ट कर दूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों भी फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे वाली जो फाइल है इस फाइल को हमें ओपन कर देना है। ये जो फाइल है हमारे प्रिंटर का ड्राइवर है और ऊपर की जो है ये इप्सॉन का स्कैनर का ड्राइवर है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रिंटर का जो ड्राइवर है उस प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे हम उसको ओपन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से हमें विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस चल रही है। तो इसका जो कुछ प्रोसेस यहाँ पर चल रही है तो वीडियो में बने रहेगा। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली अपडेट का उसको हमें अनटिक कर देना है और जो ऊपर वाला जो है उसको टिक मार्क रहने देना है और जो नीचे वाले को अनटिक करके ओके कर देना है। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है और उसको ओके कर देना है। जैसे हम ओके कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमें एग्री कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो प्रोसेस है यह अभी प्रोसेस चल रही है। जैसे ही ये प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो यहाँ पे हमें एक मैसेज देखने के लिए मिलेगा जो कि उसका सक्सेसफुल हो गया, ऐसा मैसेज हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वह हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है ये वो एकदम अच्छी तरीके से ये इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन एंड पार्ट कॉन्फ़िगरेशन वेयर कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिख के आ गए है। तो यह हमारा जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो एकदम अच्छी तरीके से प्रॉपरली ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो स्कैनर का ड्राइवर है उसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जैसे हम उसको ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें विंडोज़ दिखाई देगा। तो ये उसकी प्रोसेस चल रही है जैसे हमने ओपन किया, तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से विंडोज़ शो हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं द सेटअप प्रोग्राम्स यहाँ पे आ गए हैं। तो उसको ओके कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट टिक मार्क करके यहाँ चेक मार्क कर देना है और उसको ओके कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो स्कैनर का जो ड्राइवर है ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो इप्सन का ड्राइवर स्कैनर का इंस्टॉल हो रहा है। तब तक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके आगे क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आगे का आप नहीं देखोगे और यहाँ तक ही देख के अगर आप स्टॉप करोगे तो आगे का प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उसकी ये हो रही है। यहाँ पर देख सकते ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा स्कैनर का ड्राइवर। ये है पहले हमने उसका प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया और ये अभी जो हो रहा है ये स्कैनर का ड्राइवर है। ये ड्राइवर स्कैनर का है। जब हम कुछ भी स्कैन करते हैं तो इस ड्राइवर की मदद से ही हो जाता है। तो ये ड्राइवर इंस्टॉल होना अपने पीसी में ये ड्राइवर इंस्टॉल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो इप्सॉन का स्कैनर अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो इसकी जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चल रही है। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे इप्सॉन स्कैन 2 सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इप्सॉन का जो स्कैनर है ये प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंटर का भी ड्राइवर इंस्टॉल हो गया और ये हमारा स्कैनर का भी ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें और एक सेटिंग कर देना है। तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। सबसे पहले हमें जाना है कंट्रोल पैनल में।
कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करके भी वहाँ पर आप जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके डेस्कटॉप पे होगा तो वहाँ पर भी डबल क्लिक करके वो उस पर हम ओपन करके जा सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर सेलेक्ट सर्च कर देते हैं कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पर आ गया है, मैं उसको सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है हमें हार्डवेयर एंड साउंड, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स यहाँ पे आ गए हैं, तो हमें डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है, जितना भी हमारे पीसी में प्रिंटर कनेक्ट है वो सब प्रिंटर यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमारे प्रिंटर में, हमारे पीसी में एक ही प्रिंटर है इप्सॉन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया है और इसको राइट मार्क आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये राइट हो गया है, हमारा जो इप्सॉन का जो ड्राइवर है प्रिंटर का वो एकदम अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन मार्क यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको राइट क्लिक करके हमें अभी स्कैन करके देखेंगे ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने प्रिंटर को ऑन करके यहाँ पर हम स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद हम देखेंगे ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके स्टार्ट स्कैन पे हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे सेटिंग ओपन होगा। तो उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देना है, और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे का ऑप्शन जो है उसको ऐसे ही रख देना है, और यहाँ पे कलर भी हम उसको स्कैन कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अब फ़िलहाल तो मैं ब्लैक एंड वाइट ही करूँगा, और यहाँ पे हम JPG ही फाइल्स इमेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हैं। तो हम उसको सिंपली अभी स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो भी हम स्कैन कर रहे हैं ये एकदम इजी तरीके से ये स्कैन हो रहा है। तो देख सकते हैं फाइनली इसका जो स्कैनर का जो ड्राइवर है ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी मैंने एक इमेज यहाँ पे स्कैन किया है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये स्कैन हो गया है। तो उसको मैं कुछ तो एक नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसको एक नाम दे दिया है, तो और उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फाइल है ये यहाँ पर सेव हो गई है। उसके बाद हम अभी प्रिंट करके देखेंगे कि ये प्रिंट होता है या नहीं। तो सिंपली हम उसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से विंडोज हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रिंटर है वो प्रिंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जो कि हमारा प्रिंटर यहाँ पर दिखा रहा है इप्सॉन का हमारा जो भी प्रिंटर है यहाँ पर दिखा रहा है। तो उस प्रिंटर को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेपर साइज़ हमें चूज़ करना है, यहाँ पे मैं पेपर साइज़ भी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लेटर है, तो यहाँ पर हम A4 करेंगे, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके A4 साइज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये इसका जो क्वालिटी है मैं स्टैंडर्ड रख देता हूँ, और यहाँ पे प्लेन पेपर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली अभी प्रिंट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे अभी ये प्रिंट होता है या नहीं। अगर हमारा प्रॉपरली तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है तभी ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रिंट होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंटर है उसको ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद उसको हम प्रिंट दे देंगे। तो मैंने इस प्रिंटर को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद अभी हम उसको प्रिंट दे देंगे और देखेंगे ये प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम ये जो प्रिंट का बटन है उस प्रिंट के बटन को हम ओके कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से उसका प्रिंटिंग जो है प्रॉपरली हो रहा है, देखेंगे हो रहा है या नहीं हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसकी प्रोसेस चल रही है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फाइनली ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ही देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट एकदम अच्छे तरीके से प्रिंट ले लिया है, यानी हमारा जो भी इप्सॉन का जो प्रिंटर था ड्राइवर है
प्रिंटर का ड्राइवर है एकदम अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने प्रिंट दे दिया, प्रिंट कमांड दे दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रिंट हमारी बाहर आ गई है और उसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से आ गई है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा स्कैनर का भी ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है और हमारा प्रिंटर का भी ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी इन दोनों भी प्रिंटर का भी ड्राइवर और स्कैनर का भी ड्राइवर वहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। तो चले मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।